वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिख। आप सभी का इजी सिख में स्वागत है। शाम के टाइम चाय पर बनने वाला यह झटपट हमारा स्नैक्स है, जिसको बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और बनाना भी बहुत सरल है। चलिए इसको हम बनाते हैं। इस टिक्की को बनाने के लिए हमें चावल चाहिए। यह पका हुआ चावल है, हमारे पास सुबह का यह बचा हुआ चावल है, इसी से हम अपना टेस्टी स्नैक्स बनाएंगे। इसके लिए हम इसमें कुछ बारीक कटे हुए प्याज, मिर्चा, अदरक और लहसुन को डालेंगे। हम एक बड़ा सा प्याज लिए हैं, प्याज को हम बारीक काट कर डाल देंगे। अगर इसमें प्याज का मात्रा ज़्यादा भी रहता है तो यह टिक्की अच्छा लगता है। और इसमें बारीक कटा हुआ 5 से 6 लहसुन डालेंगे और 2 हरा मिर्चा बारीक काट कर डाल देंगे। आप जितना तीखा खाना चाहें उस हिसाब से मिर्चा डालें और अदरक डालेंगे। अदरक को आप ग्रेट करके डालें या छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालें। भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और कलर के लिए हल्का सा हल्दी डालेंगे। 5 से 6 काली मिर्च को हम कूट कर डाल देंगे और इसमें हम नमक डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इस टिक्की को बनाने के लिए इसमें हम सत्तू डालेंगे। यह चना का सत्तू है। 5 से 6 चम्मच हम सत्तू लिए हैं और इनको चावल में डालकर अच्छे से मिलाएंगे। सत्तू चावल में मिक्स होकर एक बाइंडिंग फॉर्म में हो जाए, उसके लिए हम इनको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अपने उंगलियों से इनको हम मसल मसल कर मिलाएंगे, जिससे सत्तू चावल में मिक्स होकर एक बाइंड फॉर्म में हो जाए। चावल में हम प्याज डाले हैं और नमक डाले हैं, जिससे यह पानी छोड़ता है, उसी से सत्तू हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसीलिए आप इसको शुरू में अच्छे से मिलाते रहें। अगर इसमें पानी की ज़रूरत हो तो आप 1-2 चम्मच ही पानी डालें। यह जितना ड्राई बनेगा उतना ही टिक्की हमारा ड्राई और टेस्टी होगा। इनको हम कुछ देर अच्छे से मिलाते रहे हैं। इस तरीके से यह बाइंड फॉर्म में बन गए हैं, इसमें हमें पानी नहीं डालना पड़ा है। इससे गोला बनाने पर गोला हमारा आराम से बन जा रहा है और इससे टिक्की भी आराम से बन जाएगा। चलिए इनसे हम टिक्कियों को बना लेते हैं। पहले हम कुछ टिक्कियों को बनाकर प्लेट में रख लेंगे, तब इनको हम सेकेंगे। हाथ में हम हल्का सा पानी लगा लेते हैं, जिससे टिक्कियां चिपके ना और आराम से बन जाए। इस तरीके से हम अपने टेस्ट के हिसाब से छोटा या बड़ा जिस हिसाब से टिक्की बनाना चाहें उस हिसाब से टिक्कियों को बनाकर रख लेंगे। कुछ टिक्कियां हमारी बनके तैयार हो गई है। चलिए इनको हम सेक लेते हैं, जिससे यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। इनको सेकने के लिए हमें कोई डीप फ्राई या सेलो फ्राई नहीं करना है। सिर्फ पैन में हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें हम टिक्कियों को डाल देंगे। चावल हमारा पहले से पका हुआ है और इसमें चना का सत्तू भी हमारा पहले से रोस्टेड है, इसलिए इनको हमें पकाना नहीं है। सिर्फ हाई फ्लेम पर इनको हम सेकेंगे, जिससे यह अंदर तक सेट हो जाए और टेस्ट में अच्छा लगे। बाहर से यह हल्का क्रिस्पी होंगे, उतना ही इनको हम उलट पलट कर सेक लेंगे। इस तरीके से यह टिक्कियां सेक कर रेडी हो गई हैं। चलिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम 1 चम्मच और ऑयल डाल देंगे और उसमें हम बाकी टिक्कियों को डाल देते हैं और इनको भी हम हाई फ्लेम पर सेक लेंगे। इनको सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इनको हम कुछ देर सेक लेते हैं, जिससे इनका कच्चापन का टेस्ट निकल जाता है और खाने में टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से यह हमारा झटपट स्नैक्स बनके तैयार हो गया है। चलिए इनको हम अपने खट्टी चटनी के साथ सर्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेस्टी और इजी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।